सभी पटवारी साथियों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे लघु सिंचाई संगणना, छठवीं लघु सिंचाई संगणना में भूजल योजना के अंतर्गत कुएं और नलकूप की जो एंट्री की जाना है, कुछ हमारे साथियों को समस्या आ रही है इसमें, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ हम ये प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद इस तरीके से ये फॉर्म खुल जाता है। इसमें योजना की क्रम संख्या पहले से भरी आ रही है। अब यहाँ मान लो हमें जैसे नलकूप की एंट्री करनी है, तो नलकूप पे हम जाएंगे, इसके बाद नलकूप का प्रकार भरेंगे। नलकूप का प्रकार भरने के बाद योजना का स्वामित्व भरेंगे, इसमें एकल किसान स्वामित्व है, किसानों के समूह का स्वामित्व है, तो इसके एंट्री करेंगे। उसके बाद कोई भी खसरा नंबर की एंट्री करेंगे, जैसे सपोज 659। इसके बाद स्थिति विवरण सीमा चिन्ह, जैसे यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि इस नलकूप के आसपास कोई ऐसा स्थान है जिससे पहचान की जा सके इसकी, तो नॉर्मली अगर कोई ऐसा स्थान नहीं है तो अपन गांव का नाम इसमें भर सकते हैं अपने का, तो कुछ भी अपन इसमें जैसे मैं इसमें भर रहा हूँ। छठवें नंबर पे हम इसमें भरेंगे कि इसमें जो है इसका स्वामित्व कितना है, मतलब जो जिसके खेत में नलकूप लगा हुआ है उसका स्वामित्व कितना है, उसका रकबा कितना है। तो इसमें सपोज कि मुझे पता है कि इस नलकूप से इतना एरिया ये सिंचित करता है किसान, तो जो उसका जितना उसका एरिया है ना, उतना हम इसमें भरेंगे। जैसे सपोज करो 1 हेक्टेयर 18 आरे इसमें मैंने भर दिया। इसके बाद इसका वर्ग लिखेंगे हम, वर्ग लिखने के बाद पुरुष है स्त्री है इसका ये लिखेंगे। इसके बाद योजना का स्थापना वर्ष, ये किसान से पूछ के हमें भरना है। जैसे सपोज करो किसान ने ये ट्यूबवेल 2014-15 में लगवाया था, तो इसकी एंट्री इस तरह से की जाना है। फिर कुएं या नलकूप की गहराई, देखिए तीन प्रकार के वहाँ ऑप्शन दिए हुए थे नलकूप के प्रकार में, एक उथला नलकूप, दूसरा मध्यम और तीसरा गहरा नलकूप। तो जो उथला नलकूप है वो 35 मीटर से जो कम गहराई का है, हाँ 35 मीटर शायद है, 35 मीटर से जो कम है वो उथला नलकूप है, और 35 से 70 के बीच के हैं तो मध्यम में आते हैं वो। जितनी अगर इतने फीट की गहराई पे वो लगे हुए हैं, सॉरी 35 से 70 मीटर, यानी कि लगभग 100 फीट से लेके 200 फीट की गहराई पे यदि वो लगे हुए हैं तो मध्यम नलकूप में आते हैं। तो यहाँ मैं नॉर्मली जो मेरे गांव में जो नलकूप लगे हुए हैं औसतन 145-155 फुट पे लगे हुए हैं, 150-155। तो यहाँ पे जो मैं मीटर लूँगा वो 45-50 मीटर के बीच में नॉर्मली लगे हुए हैं। तो सपोज़ करो कि मैंने किसान से पूछा, उसने बताया कि ये इतने फीट पे लगा हुआ है, तो मैंने उसका मीटर भर दिया। इसके बाद जो नलकूप का व्यास है, तो नलकूप जब मैंने किसान से पूछा तो उन्होंने बताया कि नलकूप का व्यास होता है वो 8 इंची का वो करवाते हैं ट्यूबवेल, तो 8 इंच को जब हम कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर में तो वो 203 निकल के आता है, तो इसमें 203 मीटर भरना है। कुओं के लिए ये ब्यास जो है 2 से 3 मीटर का हो जाता है, कुएं के लिए मीटर में दिया जाना है, नलकूप के लिए मिलीमीटर में दिया जाना है। ऐसे ही कुएं की जो गहराई है वो नॉर्मली हमारे यहाँ जो कुएं लगे हुए हैं वो 15 से 20 मीटर पर लगे हुए हैं, यानी कि 45-50 फीट के आसपास, 60 फीट के आसपास लगे हुए हैं। पास के कुएं नलकूप की दूरी 100 मीटर 150 मीटर जो भी आपके यहाँ हो वो आप भर सकते हैं इसमें। जैसे इस नलकूप से 150 मीटर की दूरी पर दूसरा नलकूप लगा हुआ है, तो मैंने उसकी एंट्री यहाँ पर भरी हुई है। निर्माण की लागत लगभग, जब ये ट्यूबवेल की खुदाई हुई, इसमें पाइप वगैरह डले, तो ये लगभग 1,35,000 के लगभग किसानों ने बताई है औसतन, 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक इसका खर्चा आता है। तो ये आप किसान से पूछ के भर सकते हैं इसमें।
दूसरा जो मोटर डली हुई है मशीनरी मूल्य जो है वो इसमें कितना आया है। तो मैंने किसानों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 70 से 75 हज़ार की मोटर इसमें आती है और डली हुई है नलकूप, तो वो अपन ने भर दिया। दूसरा ये वित्त का पोषण कैसे हुआ है, निजी बचत से लगवाया है या साहूकार से या बैंक से ऋण लिया है, जो भी है वो आप किसान से पूछ के इसमें भर सकते हैं। दूसरा यदि उसको सरकार से कोई अनुदान प्राप्त हुआ है तो आप इसमें भर सकते हैं, और यदि नहीं अनुदान प्राप्त हुआ है तो आप इसमें जीरो भर दें। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे, जो का है जो योजना की वर्तमान स्थिति, तो योजना उपयोग में है, यदि उपयोग में नहीं है तो आप वो भर सकते हैं इसमें, स्थायी रूप से नहीं है या अस्थायी रूप से नहीं है। तो ये योजना उपयोग में है तो मैं यहाँ जल वितरण की जो विधि है वो कैसे है, जैसे खुली नाली में कच्ची नाली में पानी छोड़ देते हैं या पाइप के थ्रू है, भूमिगत पाइपलाइन बिछी हुई है, किस तरह से वो पानी है वो आप अपने अनुसार भर सकते हैं। दूसरा उन्नयन संयंत्रों का प्रकार, समरसेबल पंप ज़्यादातर उपयोग में आते हैं तो समरसेबल पंप हमारे यहाँ लगे हुए हैं सभी जगह, और बाकी आप किसान से पूछ के भर सकते हैं कि उसमें कौन सा पंप लगा हुआ है। फिर इसको चलाने का माध्यम क्या है, डीजल वाला यंत्र है या फिर विद्युत से चलते हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली 90% विद्युत से ही चलते हैं। तो विद्युत, अब यहाँ पे जो एचपी है मतलब उसका जो हॉर्स पावर है, तो किसान से पूछ के भरें कि कितने की मोटर उसने डाली हुई है उसमें, तो 7.5 हॉर्स पावर की है, 8 की है, जो भी हो किसान से पूछ के इसमें भरना है। पंप चलन दिवस पूछते हैं, तो नॉर्मली क्या है कि मेरे गांव में धान की पैदावार होती है तो धान में लगभग 60 से लेके 90 दिन तक किसान पानी देते हैं, मतलब धान में ये समझ लो कि हर रोज़ पानी दिया जाता है क्योंकि लाइट 8 घंटे आती है, तो आज पानी दिया उन्होंने तो कल फिर उनको भरना पड़ता है उसमें। तो ये 60, 70, 80 जो भी किसान बताते हैं उस तरीके से आप भर सकते हैं। मैं इसमें 60 दिन भर रहा हूँ, जैसे खरीफ मौसम में 60 दिन लगातार चलता है उसका पंप, रबी मौसम में लगभग 14-15 दिन किसानों ने बताया कि 14-15 12 से 15 दिन ऐसा कुछ बताया, तो इसमें 15 दिन रबी मौसम में चलता है। बारहमासी जो फसल होती है उसमें कोई ऐसी फसल होती है जिसमें शायद पानी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे तुअर की दाल है, बारहमासी है और उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बारिश का पानी होता है उससे ही वो उग जाती है। अन्न में भी मैं शून्य भरता हूँ। फिर ये कितना पंप चलन होता है उसका एक दिवस में, तो मैंने इसमें 8 घंटे बिजली मिलती है किसानों को, तो 8 घंटे का बताया उन्होंने, दोनों में 8 घंटे भरता हूँ, फिर इसमें शून्य भर देता हूँ मैं, क्योंकि 12 मासी के लिए वो ट्यूबवेल नहीं चलाते हैं अपना। अब क्या आपकी ये जो नलकूप या कुआ है, क्या उस गांव में से कोई बृहत या मध्यम परियोजना है वहां पे, मीन्स कोई नहर, कोई डैम, कोई बड़ी योजना? ये हम जो संगणना कर रहे हैं वो लघु सिंचाई संगणना कर रहे हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, छोटे मोटे तालाब हैं गांव में जिनसे लोग पानी लिफ्ट करके देते हैं, तो उसकी अपन इसमें एंट्री कर रहे हैं। अब वहाँ पे यदि नहर निकली हुई है या फिर कोई और परियोजना है तो उसका कमांड क्षेत्र का नाम लिखेंगे, परियोजना का नाम लिखेंगे इसमें हम। जैसे हमारे यहाँ जो नहर निकली हुई है तो वो राजघाट नहर परियोजना, लोगों ने बताया कि इसका नाम राजघाट नहर परियोजना है। कमांड क्षेत्र में योजना का कारण, पानी उपलब्ध है, सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है, या जो भी कारण है आप किसान से पूछ के उसमें भर सकते हैं। क्या यह योजना केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए है? नहीं, इसमें ये वो ये पूछ रहे हैं कि जो नलकूप लगा हुआ है इससे क्या आप पानी भर देते हो, किसी तालाब में पानी भरने के लिए इसको लगाया हुआ है या फिर सिंचाई करने के लिए? तो नॉर्मली सिंचाई करने के लिए लोग लगाते हैं, तो इसमें नहीं का ऑप्शन हम भरेंगे। कृषि योग्य कमान क्षेत्र, इस ट्यूबवेल से जो कृषि योग्य कमान क्षेत्र है वो कितना है इस ट्यूबवेल के आसपास, तो उस किसान के स्वामित्व का जो भी है इस ट्यूबवेल के आसपास उसमें हम भरते हैं। तो इसमें मैंने 1.18 हेक्टेयर भरा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ है मौसमवार सृजित सिंचाई क्षमता, मीन्स उसकी जो सिंचाई क्षमता है ट्यूबवेल की वो कितनी है? तो जब ये किसानों से हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि खरीफ में जब धान की हम सिंचाई करते हैं तो धान की सिंचाई नॉर्मली
2 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर तक की हम 2.5 हेक्टेयर तक कर लेते हैं। तो इसमें मैं 1.18 हेक्टेयर जो कि उसका रकबा वहाँ पे है वो मैं भर देता हूँ। रबी में जो सिंचाई होती है वो लगभग 25, 30, 40 कितने भी बीघा कर सकते हैं, यानी कि 5 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर, तो उसके हिसाब से अपन इसमें भर सकते हैं कि इसकी उस ट्यूबवेल की क्षमता कितनी है, कितनी सिंचाई वो रबी में कर लेता है, कितना पानी वो देता है वहाँ पर। तो उसके अनुसार हम 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर कुछ भी यहाँ पर भर सकते हैं। जो किसान बता रहे हैं कि उसकी क्षमता कितनी है उसके ट्यूबवेल की, वो हम यहाँ पर भरते हैं। दूसरा, 2017-18 में एक्चुअल में जो सिंचाई इस पंप से हुई है वो कितनी हुई है, तो यहाँ पे मैं वो भर रहा हूँ जो किसानों ने बताया कि 2017-18 में जो हमने ट्यूबवेल ये लगा हुआ था तो इतने इतने हेक्टेयर हमने सिंचाई यहाँ पे की हुई है। इसके बाद हम आते हैं, क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है, तो ये आप अपने हिसाब से देख के भर सकते हैं किसान से पूछ के कि योजना का कम उपयोग करते हैं या अच्छा उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नहीं भरा हुआ है, टिप्पणी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्मली मैंने यहाँ पे ओके लिख दिया है। अब आपको फ़ोटो खींचना है तो खेत पे जाके लोकेशन पे आप फ़ोटो खींचेंगे इसका, उसके बाद आप चाहें तो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव एज ड्राफ्ट कर रहा हूँ इसको, तो मैंने यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट इसको कर दिया है। फिर जब हम एंट्री कर लेते हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ हम हस्ताक्षर करेंगे, जो भी हस्ताक्षर हैं वो करने के बाद फिर इसको अपलोड कर देंगे।